बड़ी खबर सामने आ रही है। सहरानपुर में कल सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। सहरानपुर हिंसा में अब तक 130 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सहरानपुर में लोग एक साथ जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, कई प्रदर्शन हुए थे। और इसके बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सहरानपुर हिंसा में जितने भी प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं उनका केस 1 रुपए में मुस्लिम वकील लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वकील है वो 1 रुपए में सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों का केस लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदर्शन के दौरान कई हिंसा हुई थी, कई जगह तोड़फोड़ हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। 130 लोग सहरानपुर में सिर्फ गिरफ्तार हुए थे और उन सभी लोगों का केस सिर्फ 1 रुपए में वकील, मुस्लिम वकील लड़ने के लिए तैयार हो गए। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।